हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू या फिर इसको न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू क्या होता है सो नर्वस टिश्यू बहुत ही इजी टिश्यू है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको देखकर आपने नर्वस नहीं होना बिकॉज बहुत ही इजी वे से मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की है सो नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू क्या होता है सो so, इसमें दो चीज़ें आती हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन नर्वस टिश्यू सो नर्वस टिश्यू में टू टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं सो so, प्रीवियसली हम सारे टिश्यूज को डिस्कस कर चुके हैं ये लास्ट टिश्यू है दैट इज नर्वस टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो नर्वस टिश्यू में टू टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं दो टाइप्स कौन से आते हैं एक आती है न्यूरॉन्स और दूसरा आता है न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स सो so, न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स को, so, को नर्व सेल। सो न्यूरॉन्स को नर्व सेल बोलते हैं एंड न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स या फिर सिंपली इसको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं सो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स में देखते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है न्यूरॉन्स है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम सो यूनिट से मतलब है यूनिट मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम सो जो नर्वस सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है न्यूरोन्स, फंक्शनल यूनिट जो एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है नर्वस सिस्टम का वो भी क्या है न्यूरोन्स सो न्यूरोन क्या है यूनिट है स्ट्रक्चुरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम सो ये एक सेल है न्यूरॉन क्या है एक नर्व सेल है जिससे मिलकर क्या बना है नर्वस सिस्टम इसके साथ ही न्यूरॉन्स के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल सो ये दोनों चीज़ें क्या बनाती हैं हमारा नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस टिश्यू सो न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं बेसिकली ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू अगर हमारे न्यूरोन्स क्या है यूनिट है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो न्यूरोग्लिया क्या है कनेक्टिव टिश्यू

नेम से क्लियर है न्यूरो मीन्स न्यूरोन्स एंड ग्लिया का ग्रीक में मतलब होता है ग्लू तो न्यूरोन्स को ग्लू करने का मतलब आपस में जोड़ने का काम चिपके हुए होते हैं ये न्यूरो से सो so अब ये क्योंकि ग्लू है किसके लिए न्यूरोस के लिए सो न्यूरोन so को होल्ड करके रख रहा है न्यूरोन्स को बाइंड कर रहा है इसलिए इसको क्या बोला है न्यूरो ग्लिया अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नेक्स्ट है न्यूरोन्स वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है एक्साइटेबल सेल्स हैं न्यूरोस कैन एक्साइट सो इनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं मतलब इनमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी सो ये एक्साइट होते हैं मीन्स ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं सो इनमें नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो जनरेट होता है इसलिए ये क्या है एक्साइटेबल है तो ये एक्साइट हो सकते हैं वेयर एज जो न्यूरोग्लिया है ये नॉन एक्साइटेबल है इनमें ऐसा कुछ नहीं होता इनमें कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या फिर जो नर्व इम्पल्सिस हैं इनमें जनरेट नहीं होती ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं वेयर एज न्यूरोन्स एक्साइटेबल होते हैं नेक्स्ट इज इनका फंक्शन क्या है दे इनिशिएट रिसीव कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इनिशिएट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन क्या है इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है इम्पल्स हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होनी है या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में ट्रांसफ़र होनी है सो so ये वो इम्पल्स को इनिशिएट कर सकते हैं देन ये रिसीव करते हैं देन कंडक्ट करते हैं एक से दूसरे में भेजते हैं ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं सो so, ये इनका काम है न्यूरॉन्स का इनिशिएट करना रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से अभी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे रिसीव करते हैं कैसे इनिशिएट करते हैं कैसे कंडक्ट होती है कैसे ट्रांसमिट होती है ये इंफॉर्मेशन तो ये इनका फंक्शन है वेयर एज न्यूरोक्लियर का क्या फंक्शन है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरोस इनका एक्साइटेबिलिटी का फंक्शन नहीं है इन्होंने कोई मैसेज को ट्रांसफर नहीं करना जबकि ये क्या कर रहे हैं न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं सो एज अ सपोर्टिंग टिश्यू वहां पर ये सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को ओनली क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो न्यूरोन्स को सपोर्ट करते हैं साथ में ही न्यूट्रियस भी प्रोवाइड करते हैं न्यूरोन्स में मैसेज क्विकली ट्रांसफ़र हो सके उसमें भी हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट भी करते हैं न्यूरोन्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं इसमें कुछ सेल्स होते हैं कुछ ग्लियल सेल्स जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल्स वो क्या करते हैं जो न्यूरोस हैं उनको माइक्रोब से बचाते हैं उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं सो तो ये न्यूरोग्लिया का फंक्शन है न्यूरोग्लियल या फिर ग्लियल सेल्स या फिर इसको नॉन न्यूरोनल सेल्स भी बोलते हैं सो दिस इज अबाउट न्यूरोन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स नाउ अगर हम बात करें इनके ऑरिजन की कि जो नर्वस टिश्यू है इसका ऑरिजन कहाँ से हुआ है तो नर्वस टिश्यू का ऑरिजन हुआ है एक्टोडर्म से एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से इसका ओरिशन हुआ है सो so, एक्टोडर्मल है ये ओरिशन में वेयर एज एक एक्सेप्शन है कि जो न्यूरोग्लिया का एक सेल टाइप है दैट इज माइक्रोग्लिया वो क्या है मीजोडर्म इन ओरिजन है सो so, माइक्रोग्लिया क्या है या फिर माइक्रोग्लियल सेल क्या है मीजोडर्म या फिर मीजोडाम इन ऑरिजन तो ये मीजोडाम एम्ब्रियो के मीजोडाम से इसका ओरिजन हुआ है सो दिस इज अबाउट द ऑरिजन एंड अबाउट द एंड न्यूरोग्लिया अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है सो so फंक्शन क्या है न्यूरल टिश्यू का सबसे पहले ये कहा लोकेटेड होते हैं फाउंड इन द एन सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड यहाँ प्रेजेंट है दूसरा पी एन नर्वस सिस्टम में मीन्स जो हमारी नर्व्स हैं पेरीफ्रल नर्व है वहां पर भी ये प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है नर्वस टिश्यू सो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है नेक्स्ट इस हमारे फंक्शन फंक्शन फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं कई एक्टिविटीज खुद से इनिशिएट भी होती है लेकिन उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है नर्वस टिश्यू सो so, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है नर्वस टिश्यू अगर हम मूव कर रहे हैं तो मूव तो मसल्स के थ्रू करें हैं लेकिन इन मसल्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है हमारा नर्वस टिश्यू सो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यही नहीं कि सिर्फ कंट्रोल कर रहा है कोऑर्डिनेशन में भी हर चीज बनाई हुई है किसने नर्वस टिश्यू ने नेक्स्ट हमारा आता है स्टिमुलेट मेनी प्रोसेसेस इन द बॉडी कई प्रोसेसेस हमारी बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं किसकी वजह से नर्वस टिश्यू की वजह से इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी बॉडी पार्ट्स या फिर मैनी बॉडी स्ट्रक्चर्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाना एक कम्युनिकेटिव पाथवे बनाना साथ में ही उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना सो इंटीग्रेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन भी इनका फंक्शन है नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल फंक्शंस सो जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं इंटेलिजेंसी फंक्शंस होते हैं चाहे वो मेमोरी है रीजनिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये सब कौन करता है नर्वस टिश्यू साथ में हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू नेक्स्ट हमारा आता है सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स सो सेंसेशन का काम भी करता है काफ़ी चीज़ों को सेंस करता है सेंसरी न्यूरोन सेंसरी नर्व्स हम एक्सटर्नल uh, इन्वायरमेंट से तो सेंस करते ही हैं साथ में इंटरनली भी जो नर्वस टिश्यू है वो कई चीज़ों को सेंस करता है कीमो रिसेप्टर्स हैं कई चीज़ों को सेंस करते हैं बैरो रिसेप्टर्स हैं सो so, सेंसेशन का काम भी नर्वस टिश्यू का है साथ में उसके लिए रिस्पोंड करना भी सो so, सेंस करके उसको रिस्पोंड करना किसका काम है नर्वस टिश्यू का फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी होर्ट सरफेस को टच किया है तो हम झटक से हाथ हटा लेते हैं क्यों हटाते हैं क्योंकि जब हमने होर्ट्सर सरफेस को टच किया तो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉमेशन जाएगी स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन में देन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस चीज को प्रोसेस करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू मोटर नर्व सो मोटर न्यूरोन के थ्रू देन रिस्पॉन्स होगा और हम हाथ को पीछे कर लेंगे सो इसी तरह से सेंसेशन और रिस्पॉन्स का काम भी किसका है हमारा न्यूरल टिश्यू का सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो मेन यूनिट है नर्वस टिश्यू का दैट इज़ न्यूरोन या फिर नर्व सेल सो ये एक जो यूजुअल न्यूरॉन है उसका एक डायग्राम है सो so, ये है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं एक है एक्साइटेबिलिटी एंड दूसरा है कंडक्टिविटी एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है एक्साइटेबिलिटी मीन्स एक्साइटेड होना राइट right. सो so, ये एक्साइटेड होती है कैसे एक्साइटेड होती हैं एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये क्या है एक्साइटेड हो जाती हैं और ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करती हैं सो so, इनमें ये एबिलिटी है कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करती हैं इनिशिएट करती हैं किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में सो so, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी सो नर्व इंपल्स जनरेट कब होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस सो वो एक डिटेल टॉपिक है लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है न्यूरोन की कि ये एक्साइटेड होती है इनमें एक्साइटेबिलिटी की एबिलिटी होती है दैट इज टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करना या फिर एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करना या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इनिशिएट करना ये इनमें एक कैपेबिलिटी है नेक्स्ट है कंडक्टिविटी अब कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्ट करना सो so कंडक्ट का मतलब है कि एक तो ये ये इनिशिएट भी हो जाती है ये एक्साइटेड भी हो जाती है और उस एक्साइटमेंट को आगे पास भी करती हैं कंडक्ट भी करती हैं सो so इनके पास एक और एबिलिटी है टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स आगे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट भी ये करती हैं एक न्यूरोन से दूसरे में ट्रांसमिट करती हैं सो so ये भी इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है सो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी देन हम पढ़ते हैं न्यूरोन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं सो न्यूरोन कंटेन्स टू पार्ट फर्स्ट इज सेल बॉडी एंड दूसरा इज एक्जोन सो ये है हमारा सेल बॉडी और ये है एग्जोन सो सेल बॉडी क्या होता है सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं साइटोन भी बोलते हैं पेरी कैरे भी बोलते हैं लेकिन जो मोस्टली हम वर्ड्स यूज करते हैं वो सेल बॉडी या फिर सोमा यूज करते हैं एग्जोन को नर्व फाइबर भी बोलते हैं सो so, जो नर्व फाइबर है वो क्या है नर्व्स के फाइबर सो so, एक्जोन का बंडल मिलकर एक नर्व बनाते हैं सो so, नर्व इज नर्व फाइबर इज एक्जोन और सेल बॉडी इज सोमा साइटोन या फिर पेरी सबसे पहले हम सेल बॉडी की बात कर लेते हैं ठीक है सो so, सेल बॉडी क्या है इरेगुलर है शेप में ये इसकी ये सेल बॉडी है और इसकी शेप कैसी है इरेगुलर है कोई शेप तो नहीं है देन इसमें सेंटर में क्या होता है न्यूरोप्लाज्म जैसे दूसरे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है अंदर ऐसे ही सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है न्यूरोप्लाज्म सो so, ये क्या है सेल बॉडी के अंदर न्यूरोप्लाज्म ओके सो सपोज कर लो यहां पर एक लिक्विड है जो कि क्या है न्यूरोप्लाज्म अब इस न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या होता है सो so, ये सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी के अंदर न्यूरोप्लाज्म मीन्स सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है क्योंकि ये न्यूरॉन है इसलिए इसको न्यूरोप्लाज्म बोला है अब एक तो हमें दिख ही रहा है ये सेंटर में ये क्या है न्यूक्लियस ठीक है सो so, इसमें एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दूसरा प्रेजेंट होता है ये है और निसल ग्रेन्यूल्स क्या है ये एक्चुअली जैसे राइबोसोम्स होते हैं दूसरे सेल्स में इस सेल में क्या है निसल ग्रेन्यूल्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं सो ये फंक्शन ग्रेन्यूल का नेक्स्ट इज न्यूरो अब न्यूरोफिब्रिल्स भी इस सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स इन प्रोटीन ये जो सिंथेसाइज़ हो गए हैं प्रोटीन इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं सो so, इनका ट्रांसफर करने का काम है प्रोटीन को नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है पावर हाउस है सेल का तो ये ए जनरेट करता है और सेल को न्यूरोन को पावर मिलती है एनर्जी मिलती है नेक्स्ट इज गॉलेजी अप्रेटर्स गॉलेजी अपरेटर्स क्या करता है इन ये जो राइबोजोम्स मीन्स uh, ये जो प्रोटीन है जो सिंथेसाइज हुए हैं इनकी पैकिंग करने में हेल्प करता है सो दिस इज अबाउट द सेल बॉडी सो so, ये है सेल बॉडी के अंदर मीन्स न्यूरोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये न्यूरोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब सेल बॉडी से आगे बढ़ते हैं प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन या फिर आप बोल सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी नाउ सेल बॉडी से कुछ प्रोसेसेस निकलती हैं प्रोसेसेस मतलब ब्रांचेस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रांचेस निकल रही हैं इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं सेल बॉडी से और ये एक लंबी सी ब्रांच भी निकल रही है ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है सेल बॉडी से और एक ये लॉन्ग ब्रांच निकल रही है लॉन्ग प्रोसेस निकल रही है न्यूरोन से सो so ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ऊपर ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस बहुत सारी हैं लेकिन ये एक्जोन क्या है ये जो लंबी ब्रांच है ये एक ही है तो ये जो बहुत सारी ब्रांचेस है छोटी छोटी इनको बोलते हैं डेंड्राइड्स क्या बोलते हैं डेंड्राइड्स सो डेंड्राइड्स क्या है शॉर्ट ब्रांचेस है शॉर्ट ब्रांचेस है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये शॉर्ट है ये लॉन्ग नहीं है लॉन्ग सिर्फ एक ही है ये वाली शॉर्ट है तो ये शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं इनका काम क्या है रिसीव एंड कैरी इनकमिंग कमिंग इम्पल्स टूवर्ड्स सोमा मीन्स टूवर्ड्स सेल बॉडी सोमा का दूसरा नाम सेल बॉडी है या फिर सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा है तो ये क्या कर रही हैं ये ये जो डेंड्राइट्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है सेल बॉडी के ऊपर सो सेल बॉडी के ऊपर ये शॉर्ट प्रोसेस या फिर शॉर्ट ब्रांचेस प्रेजेंट हैं ये वाली ये हैं डेंड्राइड्स ये डेंड्राइड्स क्या करती हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं सो so, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही हैं राइट right. ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं कैसे रिसीव करती हैं एक तो इनके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है तो ये इंफॉर्मेशन को सेंस भी करती हैं जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स में दूसरा ये क्या करती है दूसरे न्यूरॉन से भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है सो so, एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाएगी सो so सपोज ये एक न्यूरॉन है ये सेल बॉडी की ब्रांचेस, छोटी ब्रांचेस जो कि डेंड्राइट्स है ये दूसरा न्यूरॉन है ये सेल बॉडी ये सेल बॉडी की छोटी ब्रांचेस डेंड्राइट्स और ये एक्सोन एक्सोन टर्मिनल सो ये यहां से भी रिसीव करती हैं, दूसरे न्यूरोन से भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, राइट right. तो एक तो ये जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही हैं, सेंस कर रही हैं, वो एक तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करी है दूसरा ये जो दूसरे न्यूरॉन से जब इंफॉर्मेशन रिसीव करती है तो ये क्योंकि दोनों न्यूरॉन आपस में बिल्कुल कनेक्टेड तो नहीं होती इनमें एक स्पेस होता है और उस स्पेस को क्या बोलते हैं साइनेप्टिक जंक्शन या फिर साइनेप्स तो जब दो न्यूरॉन्स में साइनेप्स होता है तो एक न्यूरॉन केमिकल छोड़ता है केमिकल रिलीज करता है और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स और दूसरा न्यूरॉन उस न्यूरो ट्रांसमीटर मिस मीन्स उस केमिकल को रिसीव करता है और कहाँ से रिसीव करता है डेंड्राइट से तो डेंड्राइट्स का काम क्या है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना ये जो केमिकल रिलीज़ हुए न्यूरो ये क्या है इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट्स ही रिसीव करता है और कोई बॉडी पार्ट रिसीव नहीं करता इंफॉर्मेशन रिसीव होनी है चाहे वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होगी ओके okay. सो so, जो डेंड्राइट्स है वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव करती है वो केमिकल फॉर्म में रिसीव करती है केमिकल्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू और जो आगे इंफॉर्मेशन जाती है पूरे न्यूरॉन में वो जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस सो रिसीव की केमिकल इंपल्सिस क्योंकि जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से बिल्कुल अटैच नहीं है तो वो केमिकल की फॉर्म में रिसीव करता है अगर अटैच होता तभी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होती ऐसे ही हवा में ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस तो पास नहीं होंगी लेकिन केमिकल्स हवा में ही जा सकते हैं हवा में ही हम रिसीव कर सकते हैं इसीलिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरोन से केमिकल न्यूरो को रिसीव करता है और जब न्यूरोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नेक्स्ट चलते हैं सो so, ये हो गया हमारा डेंड्राइट्स का काम अब नेक्स्ट आता है एक्ज़ोन, सो so, ये लंबा सा ये नजर आ रहा है आपको सिर्फ एक ब्रांच अब डेंड्राइट्स बहुत सारी हो सकती है, से ही क्लियर है। many, so, ये लंबा सा आपको नजर आ रहा है ये है एक्जोन इतना हमारा है एक्जोन नाउ एक्न क्या होता है सिंगल एक्जोन सिंगल होता है न्यूरॉन में बिगेन एट टेपर्ड एरिया ऑफ सेल बॉडी सेल बॉडी का ये जो टेपर्ड एरिया है टेपर्ड मतलब जो आगे से चौड़ा और फिर पीछे ऐसे नैरो होता जाता है इसको बोलते हैं टेपर्ड एरिया तो इस सेल बॉडी के टेपर्ड एरिया से ये स्टार्ट हो जाता है और ये जो टेपर्ड एरिया है इसको बोलते हैं एग्जोन हिलॉक एग्जोन हिलॉक से ये स्टार्ट हो जाता है एग्जोन एक्जोन का क्या काम है कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी अब डेंड्राइट्स का क्या काम था इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और कहाँ पर लेके जाना यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली और कहाँ तक लेके गई है सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक गई डेंड्राइट से अब सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे कौन लेकर जाएगा मीन्स सेल बॉडी से दूर जो इंफॉर्मेशन है वो कौन लेके जाएगा अब ये डायग्राम इस तरह से इसलिए मैंने नीचे बोला है वैसे इसका काम क्या है एक्जोन का जो इंफॉर्मेशन है अवे लेकर जाना सेल बॉडी से सो so, ये एग्जोन सेल बॉडी से अवे uh, जाएगी इंफॉर्मेशन थ्रू एग्जोन इस तरह से सो so, एग्जोन का काम है क्या काम है कंडक्ट इंपल्सिस अवे फ्रॉम सेल बॉडी ये सेल बॉडी से अवे लेके जाता है इंपल्सिस को सो so, इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी इस डायरेक्शन में

ये जो एक्जोन है ये जो लंबी एक्जोन है ये एंड पे ये ब्रांच हो जाती है अब एंड पे आप देख रही हैं ये ब्रांचेस निकल रही हैं सो एंड पे ये ब्रांच हो जाती है और ये जो इंफॉर्मेशन ये सेल बॉडी से लाया है ये इन ब्रांचेस में ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी अब अब ये जो सेल बॉडी uh, एक्जोन है ये एक्जोन जो है लोंगर होता है देन डेंड्राइड डेंड्राइड हमेशा ये लॉन्ग होगा और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और कितना लॉन्ग हो सकता है हंड्रेड सेंटीमीटर तक भी ये लॉन्ग हो सकता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी सियाटिक नर्व सियाटिक नर्व बहुत लंबी है तो आप बताओ कि सियाटिक नर्व क्या है कमेंट बॉक्स में और उसका फंक्शन क्या है कहां से कहां तक वो प्रेजेंट होती है सो so नाउ हम स्टेप बाय स्टेप एक्जोन्स के पार्ट देखेंगे सो so आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही इजी है सो so ये जो सेल बॉडी से लॉन्ग ब्रांच निकली है ये क्या है हमारी इतनी एक्जोन सो so, एक्जोन क्या है सबसे पहले एक्जोन हिलॉक पढ़ते हैं सो एक्न हिलॉक क्या है पार्ट ऑफ सेल बॉडी फ्रॉम वेयर एग्जोन अराइजेज सो ये सेल बॉडी का वो पार्ट है जहां से एग्जोन अराइज हुआ है सो so, ये पार्ट कैसा है ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो सो so, इतना पार्ट ये क्या है एग्जोन हिलॉक तो so, ये है एक्जोन ही लोग और एक्जोन ही क्या होता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरोन में सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन जो डेंड्राइट रिसीव करेगा ये इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्जोन में जानी है तो एक्जोन में जानी है इसलिए एग्जोन ही क्या होगा सेंसिटिव होगा ताकि इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से सेंस कर ले और आगे ट्रांसफर कर दे इसलिए ये क्या है सेंसिटिव पार्ट है नेक्स्ट इज एक्जोलिमा एंड एग्जोप्लाज्म अब नेम से ही क्लियर है एक्जोलिमा एग्जोलिमा मीन्स जो की आउटर कवरिंग होगी सो so ये जो एग्जोन की आउटर कवरिंग है ये वाली दिस वन सो ये क्या है एक्जोलिमा लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर कवरिंग होती है इसी तरह से एक्जोन की आउटर कवरिंग क्या है एग्जोलिमा और एग्जो क्या है जो एक्जोन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे सो एक्जो ये so, yes, एक्जोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्जोप्लाज्म सो एग्जोप्लाजम so, एक्जो उसी तरह से है जैसे हमने सेल बॉडी में क्या पड़ा है अभी हमने अभी तो डिस्कस किया है कि सेल बॉडी के जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म इसी तरह से एक्सोप्लाज्म क्या है जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है जस्ट डिफरेंस इतना है कि जैसे सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है हमने उसमें क्या चीज़ें पड़ी निसल बॉडी पड़ी निसल बॉडी एक्जोप्लाज्म में नहीं होगी सो so, जो एग्जोन का साइटोप्लाज्म है वहाँ पर निसल बॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी साथ में ही गॉलोजी अप्रेटर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा नेक्स्ट इज एक्जोन टर्मिनल्स और एग्जोन एंडिंग्स अब ये एग्जोन जो है

न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं मैसेज है इसके अंदर सेनेप्टिक वेसिकल के अंदर उसको क्या बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सो यहाँ से डेंड्राइट्स ने न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव किया था देन वो कहाँ से गया सेल से होते हुए एग्जोन से होते हुए एग्जोन से होते हुए कहाँ चला गया एक्जोन टर्मिनल में एंड देन साइनेप्टिक नोब के अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वहां जाकर स्टोर हो गया और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स ये न्यूरो ट्रांसमीटर कब निकलेगा जब सेकेंड साइनेप्स होगा सो मतलब जब एक और न्यूरोन आएगा तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब केमिकल मैसेंजर रिलीज हो जाएगा और दूसरे न्यूरोन की डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेंगी इसी तरह से तो मैसेज एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में जाता है अब ये जो न्यूरो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे टाइल का लाइन हो सकता है गाबा हो सकता है दैट इज गामा मीनो ब्यूटायरिक एसिड सीरोटोनिन हो सकता है डोपामिन हो सकता है और भी बहुत सारे न्यूरो हो सकते हैं आप बताना कॉमेंट कर कर और एक्जोन टर्मिनल्स में और क्या होता है कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बिना जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा सो so, अभी तक हमने क्या पढ़ा डेंड्राइट्स पढ़ लिया सेल

आप कह सकते हैं या फिर शीत बोल सकते हैं जो कि एग्जोन के ऊपर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं माइलिन शीत तो ये माइलिन शीत किसकी बनी होती है ये लिपिड्स की बनी होती है मेजर इसमें क्या है लिपिड्स है साथ में प्रोटीन्स हैं और वाटर है सो ये लिपिड की बनी है मतलब ये फैट है तो फैट है तो ये क्या है इंस्युलेटिंग लेयर सो फैट क्या होता है इंस्युलेशन का काम करता है सो इसका आप एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं कि जैसे सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन जा रही है अब जो नर्व इम्पल्स जा रही है के थ्रू ये माइलिन पर साइड में में क्या कर रही है ये माइलिन ऐसे है जैसे एक वायर में करंट जाता है और वायर की आउटर कवरिंग होती है तो वो उस करंट को उस क... वायर में ही बना के रखती है जैसे कि ये पेन है तो इसके अंदर इंक है और ये पेन की बॉडी है अब ये बॉडी क्या कर रही है उस इंक को बाहर फैलने से रोक रही है राइट इसी तरह से जो इंसुलेटिंग लेयर है जो कि माइलिन शीत से बनी है माइलिन सबस्टान से बनी है और ये माइलिन क्या है लिपिड्स है प्रोटीन है वाटर है ये इंसुलेटिंग लेयर क्या करती है प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज जब ये जो इंफॉर्मेशन है जब सेल बॉडी से एग्जोन से होती है एक्जोन से ही तो जा रही है आगे एक्जोन टर्मिनल तक तो ये माइलिन शीत क्या इंश्योर करती है कि ये जो मैसेज है ये बाहर लीक ना हो जाए ये कहीं और ना चला जाए इसी में ही बना रहे इसी में बना रहे और क्विकली uh, ट्रांसफर हो सो so, ये लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करती है जो कि नर्व इम्पल्स के जब वो पास होती है नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से एक जोन में जाती है उस टाइम पर इसका लॉस होने से प्रिवेंट करती है इंसुलेशन का काम करती है जैसे इंसुलेशन क्या है हीट लॉस को प्रिवेंट करती है इसी तरह से ये नर्व इम्पल्स का लॉस ना हो जाए ये वो प्रिवेंट करती है अलॉन्ग द फाइबर और ये किससे बनी होती है ये जो माइलिन शीत है ये बनी होती है शवान सेल से सो शवान सेल्स क्या होते हैं शवान सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स ही हैं जो हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े थे जिससे नर्वस टिश्यू बनता है एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल्स सो शमान सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स सो ये न्यूरोग्लियल सेल्स का एक टाइप है सो so, यहाँ पर ये शमान सेल्स प्रेजेंट है ये होगी हमारी माइलिन शीत शमान सेल का न्यूक्लियस है ये ये आप देख सकते हैं शवान सेल का न्यूक्लियस तो एक शवान सेल एक सेगमेंट बनाएगा किसका माइलिन माइलिन का so, जो का सो जो एक सेगमेंट है वो एक शमान सेल बनाता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक शमान सेल का न्यूक्लियस है ये देन दूसरे सेल का न्यूक्लियस है ये तीसरे सेल का न्यूक्लियस है सो so, शवान सेल्स इस एग्जोन के साथ रैप्ड होते हैं सो so, रैप रैप मतलब समझते हो जैसे पैकिंग में प्रेजेंट होते हैं सो so, रैप किए हुए आ, इस एग्जोन के साथ रै, रैप रैप किए हुए होते हैं ये ग्लू की तरह स्टिक होते हैं इस एक्जोन के साथ तो ये श्वान सेल प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीत अब नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है ये हमने पढ़ ली माइलिन शीत पढ़ ली और ये न्यूक्लियस पढ़ लिया कि ये शमान सेल का है क्योंकि शमान सेल ने ही ये माइलिन शीत बनाई है अब ये नोड्स ऑफ रेनवियर माइलिन शीत हमने पढ़ ली है न्यूक्लियस ऑफ शवान सेल पढ़ लिया है ये नोड्स ऑफ रेनवियर अब हमने पढ़ना है क्या है नोड्स ऑफ रेनवियर नोड्स क्या है मतलब नोड्स का मतलब क्या है नोड्स का मतलब होती है छोटे छुट छोटे गाठे या फिर स्पेस राइट तो ये जो माइलिन शीत है ये अब स्पेस काम है ये माइलिन शीत इस तरह से कंटिन्यूस नहीं है ये माइलिन शीत ना ऐसे है राइट तो बीच में ये क्या है कुछ स्पेस है सो माइलिन शीत के बीच में ये जो स्पेस है गैप है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर या फिर नोड्स ऑफ रेनवियर सो नोड्स ऑफ रेनवियर इसको बोलते हैं जो माइलिन शीत के बीच में ये जो स्पेस है जहाँ पर एक्जोलिमा एक्सपोज हो रही है सो एक्जोलिमा क्या है एक्जोन की आउटर मेम्ब्रेन और जहाँ पर ये एक्जोलिमा एक्सपोज हो रही है बीच में ये क्या है नोड्स ऑफ रेनवियर सो माइलिन शीत इज नॉट कंटिन्यूअस ये क्या है इज एबसेंट एट सर्टेन पॉइंट सो माइलिन शीत इज एबसेंट एट सर्टेन पॉइंट्स जिसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर अब नोड्स ऑफ रेनवियर यहाँ पर क्यों है उसका काम क्या है सो नोड्स ऑफ रेनवियर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंडक्शन ये कंडक्शन की और भी ज्यादा स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। एक तो माइनिंग शीट भी हेल्प कर रही है साथ में ही नोड्स ऑफ रेनवियर और ज्यादा हेल्प कर रहे हैं कैसे हेल्प कर रहे हैं इंपल्सिस जम्प फ्रॉम वन टू नदर नोड ऑफ रेनवियर जो इम्पल्स आ रही है वो नोड ऑफ रेनवियर जहां पर इनको माइलिनट लगती है तो ये इंपल्सिस क्या करती है जंप करती है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी में दूसरी से तीसरी में जंप करती हैं तो जब इम्पल्सिस जंप करेंगी तो क्या होगा एक तो होता है चलना और एक होता है जंप करना अगर हम जंप करते हैं सपोज अगर हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं सो अगर सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हम एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हैं लेकिन अगर हम जंप करके एक स्टेप से सीधा फोर्थ स्टेप पर चले जाएं, तो क्या होगा कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ऐसा आप करना मत बट मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ तो इससे क्या होता है नोड्स ऑफ रेनवियर से जो कंडक्शन जो इम्पलसिस कंडक्ट हो रही है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और इसको क्या बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन तो नोड्स ऑफ रेनवियर क्या करते हैं स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जिससे इंपल्सिस फास्ट स्पीड पर ट्रांसफर होती है क्विकली ट्रांसफर होती हैं सो इंपल्सिस क्या करती है जंप करती हैं फ्रॉम वन नोड ऑफ नोड ऑफ रेनवियर टू द नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर नाउ ये हो गया हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर का काम अब यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट है दैट इज न्यूरी लेमा सो न्यूरी क्या है ये जो शमान सेल्स हैं शमान सेल्स की एक और अपनी कवरिंग है सो so, यहाँ पर एक और कवरिंग है आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं न्यूरीलेमा सो so, न्यूरीलेमा क्या है uh, कि नोड्स ऑफ रेनवियर पर एबसेंट नहीं होती ये न्यूरीलेमा वहां पर प्रेजेंट होती है सो so, ये शवान सेल्स की अपनी कवरिंग है अब हमने ये पढ़ लिया माइलिन शीत के बारे में पढ़ लिया अब ये जो माइलिन शीत है हर न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होती मतलब हर एक्ज़ोन में ये प्रेजेंट नहीं होती तो जिन एक्ज़ोन में माइलिन शीत प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरोन या फिर माइलिनेटेड एक्ज़ोन्स, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होती उसको बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरोन अब मैंने माइलिन शीत का आपको फंक्शन बता दिया कि इसका फंक्शन क्या है कि एक तो इंसुलेशन में हेल्प करता है जो नर्व इम्पल्स हैं वो क्विकली ट्रांसफर हो सकें और लॉस ना हो नर्व इम्पल्स उसमें हेल्प करता है प्लस माइलिन शीत की वजह से ही नोड्स ऑफ रेनवियर बने हैं क्योंकि माइलिन शीत कई जगह पर बीच में थोड़ी सी एबसेंट है जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्पल्सेज जम्प करती हैं और क्विकली ट्रांसफर होती हैं तो जिन न्यूरोन्स में माइलिन शीत प्रेजेंट होगी उनमें क्या होगा स्पीड इंक्रीज होगी मैसेज की कंडक्शन की तो जो कंडक्शन है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो मैसेज है वो क्विकली ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीत नर्व इंपल्स विल बी क्विकली ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीत वेयर एज इन विच माइलिन शीत इज एबसेंट तो उसको क्या बोलेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरोन अन माइलीनेटेड न्यूरोन में क्या होगा अब अब जिनमें माइनीशिप प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब जो इम्पल्स हैं वो स्लोली ट्रांसफर होंगे सो इन अन माइलीनेटेड न्यूरोन्स द इम्पल्स और द नर्व इम्पल्स विल बी स्लोली ट्रांसफर्ड वेयर एज दिन माइलीटेड न्यूरोन्स द इम्पल्स विल बी क्विकली ट्रांसफर्ड सो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन और माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है तब आपको ये भी समझ आ जाएगा सो व्हाइट मैटर या फिर ग्रे मैटर क्या होता है सो so, सबसे पहले हम सेल बॉडी की बात करते हैं ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ी है सेल बॉडी ये सेल बॉडी बनाती है ग्रे मैटर सेल so बॉडी क्या बनाती है ग्रे मैटर बनाती है वेयर एज ये जो यहां से लेके यहाँ तक हमने एक्जोन पढ़ा है और हमने कौन सा एक्जोन पढ़ा है माइलिनेटेड एक्जोन क्योंकि हमने माइलिन शीत भी पढ़ी है तो जो माइलिनेटेड एक्जोन होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीत होगी क्योंकि ये माइलिन शीत लिपिड से बनी है तो ये कैसी नजर आती है वाइट तो एक्जोन विद माइलिन शीत मीन माइलिनेटेड एक्सोन ये क्या है? बनाते हैं व्हाइट मैटर बनाते हैं और जिन एग्जोन पर माइलिन शीत प्रेजेंट नहीं होगी वो अनमाइलिनेटेड माइलीटेड होंगे मीन्स अनमाइलिनेटेड माइलीनेटेड एग्जोन होंगे अनमाइलिनेटेड माइलीनेटेड न्यूरोन होंगे वो क्या बनाएंगे ग्रे मैटर सो so ओनली वो एग्जोन जिन पर वाइट मैटर जिन पर माइलिन शीत प्रेजेंट होगी वो वाइट मैटर बनाएंगे बाकी सेल बॉडी हो गई और बिना माइलिन शीत वाले एग्जोन ये सब क्या बनाएंगे ग्रे मैटर सो ग्रे मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है जो हमारा ब्रेन है वहां पर पेरीफ्री में प्रेजेंट होता है साइड में और जो हमारी स्पाइनल कोड है वहां पर ग्रे मैटर सेंटर में प्रेजेंट होता है एच शेप में और जो व्हाइट मैटर है वो हमारे ब्रेन में सेंटर में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कोड में उससे उल्टा पेरीफ्री पर प्रेजेंट होता है सो so, ये होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर उसके बाद जो हमारे माइलिनेटेड न्यूरोन है मीन्स जिस न्यूरोन में माइलिन शीत है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है वाइट मैटर ऑफ सी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वाइट मैटर है वहाँ पर प्रेजेंट होता है मतलब ब्रेन के ब्रेन के सेंटर में और स्पाइनल कोड के पेरेफ्री में और कहा पर ये प्रेजेंट होता है जो हमारी पेरीफ्रल नर्व्स है वहां पर माइलिनेटेड माइलीनेटेड प्रेजेंट होते हैं जो अनमाइलिनेटेड होते, है, होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्व्स में सो so, जो नर्व्स है वहां पर प्रेजेंट होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरोन जिन न्यूरोस में माइलिन माइलिनशीत नहीं होती एंड कुछ सी एन एस में कुछ स्मॉल फाइबर्स हैं स्मॉल फाइबर्स जो कि एग्जोन इतने बड़े नहीं है वहां पर भी माइलिन माइलिनशीत एबसेंट होती है सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अ टिपिकल न्यूरॉन सो इससे हमें पता लग गया कि सेल बॉडी क्या होती है डेंड्राइट्स क्या होते हैं एक्जोन क्या होता है माइलीनेटेड एग्जोन क्या होते हैं और अनमाइलीनेटेड माइलीटेड क्या होते हैं और हमें यह भी पता लग गया कि जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स रिसीव करेगा डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाएगी सेल बॉडी सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन जाएगी एग्जोन एग्जोन से इंफॉर्मेशन जाएगी एग्जोन टर्मिनल में वहाँ पर साइनेप्टिक नोब्स हैं और सइनेप्टिक नोब्स में से सनेप्टिक वेसिकल्स हैं और सइनेप्टिक वेसिकल में से क्या रिलीज़ होंगे न्यूरो मतलब जो इंफॉर्मेशन है रिसीव भी केमिकल फॉर्म में होती है और रिलीज़ भी केमिकल फॉर्म में होती है साइनेप्स पे लेकिन न्यूरॉन के इनसाइड जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है सो so, सैनप्स क्या होता है सैनैप्स होता है एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है तो एक न्यूरॉन जो एक न्यूरॉन है वो अपने एक्जोन टर्मिनल से इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करेगा मीन्स न्यूरो को रिलीज करेगा और जो डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन की वो उसको रिसीव करेंगी और डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन की मीन्स पोस्ट सैनिप्टिक न्यूरोन की और जो एग्जोन्स हैं वो पहले न्यूरॉन के प्री सानेप्टिक न्यूरोन के आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते बीच में एक जंक्शन होता है स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सैनैप्टिक जंक्शन और साइनेप्ट सिंपली साइन तो इसकी अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो वो मैंने बना रखी है सैन की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूरोन न्यूरोन टू बेसिस पर क्लासिफाइड है एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सो स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये फोर टाइप्स में डिवाइडेड है दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ न्यूरोन फर्स्ट टाइप है यूनिपोलर यूनिपोलर का मतलब है कि इसमें एक सेल बॉडी होती है मतलब एक सेल बॉडी एक सोमा ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस एंड सिर्फ एक ब्रांच एक प्रोसेस अगर मैं प्रोसेस बोल रही हूँ मतलब ब्रांच राइट right. सो so, एक प्रोसेस होती है मींस सिर्फ एक एग्जोन निकलता है इसमें से डेंड्राइट्स नहीं निकलती इसमें डेंड्राइट्स नहीं होती सो so, एग्जोन वन और डेंड्राइट्स जीरो सो so, यूनिपोलर बोलते हैं इसको ये अर्ली एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होता है सो so, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उस टाइम पर प्रेजेंट होता है ऑफकोर्स दिख भी रहा है कि अच्छे से डिवेल्प नहीं हुआ ये न्यूरोन सो so, ये है यूनिपोलर दूसरा आता है स्यूडो यूनिपोलर स्यूडो मतलब फॉल्स यूनिपोलर मतलब यूनिपोलर ये है तो यूनिपोलर लेकिन फॉल्स यूनिपोलर है कैसे क्योंकि ये है सेल बॉडी ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकली है मतलब एक ही ब्रांच निकली है तो इसलिए ये यूनिपोलर है अब स्यूडो क्यों है क्योंकि ये ब्रांच अगेन निकलती तो एक ही है सेल बॉडी से लेकिन देन टू में डिवाइड हो जाती है जो ये ऊपर वाली है ये क्या है ये है डेंड्राइट और ये जो दूसरी ब्रांच है ये क्या है एक्जोन तो इसलिए इसको स्यूडो यूनिपोलर बोला है तो डेंड्राइट इसमें वन प्रेजेंट होती है तो जितनी ब्रांचेस होंगी ना वो हम काउंट करेंगे तो इस साइड एक ब्रांच निकल के देन फर्दर ब्रांच हुई है तो इट मीन्स एक ही डेंड्राइट है जैसे कि ये एक एक्जोन निकली आगे एंड पर ब्रांच हुई है इसकी तो ये एक ही एक्जोन है तो वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन सो ये है स्यूडो यूनिपोलर ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये डोर्सल रूट गेंगल्योन जो हमारा स्पाइनल नर्व्स का है अगर आपने स्पाइनल नर्व्स रीड की है तो वहां पर डोर्सल रूट गेंग्लियोन प्रेजेंट होता है वहां पर स्यूडो यूनिपोलर न्यूरोन्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट आता है बाइपोलर अब बाइपोलर का मतलब है इसमें दो ब्रांचेस निकलेंगी मीन्स टू प्रोसेस निकलेगी ये है सेल बॉडी और सेल बॉडी में से टू प्रोसेसेस निकली हैं एक इधर को एक इधर को सो so, ये जो ऊपर जा रही है ये क्या है डेंड्राइट्स डेंड्राइट नॉट डेंड्राइट्स, क्योंकि एक ही है और ये है एक्जोन सो so, एक ये एक डेंड्राइट है एक ही एक्जोन है सो so, ये क्या है बायपोलर क्योंकि दो ब्रांचेस या फिर दो प्रोसेसेस सेल बॉडी से निकली हैं वो अलग बात है कि डेंड्राइट निकली एक थी लेकिन एंड पर जाकर ब्रांच हो गई है सो so, वो हम काउंट नहीं करेंगे सो so, ये है बायपोलर न्यूरोन ये प्रेजेंट होता है रेटिना ऑफ आइज में ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम में नोज के एपिथीलियम में और कोकुलियर एंड वेस्टिब्यूलर गैंगलिया में मीन्स हमारे इनर ईयर में नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपोलर न्यूरोन मल्टीपोलर मतलब बहुत सारी ब्रांचेस तो ये है हमारी सेल बॉडी तो ये अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था न्यूरॉन ये कौन सा था मल्टीपोलर क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस या फिर ब्रांचेस निकल रही थी सेल बॉडी से तो ये देखो ये निकल रही बहुत सारी डेंड्राइड्स सेल बॉडी से तो अब ऐसा नहीं है कि एक डेंड्राइड निकली थी और आगे ब्रांच हुई है नहीं सेल बॉडी से ही बहुत सारी डेंड्राइट्स निकल रही हैं तो इसलिए ये क्या है मल्टीपोलर और एक्जोन एक ही होता है एक्जोन सिंगल ही होता है हमेशा तो ये है एक्जोन और एंड पर एक्जोन ब्रांच हो गया अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया मल्टीपोलर का तो ये सबसे कॉमन होता है मोस्ट कॉमन टाइप और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फर्स्ट है सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरोन सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरोन कौन सा होता है जो कि सेंसरी इंपल्सिस को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड तक लेकर जाता है सो ब्रिंग सेंसरी इंपल्सिस फ्रॉम ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारे ऑर्गन से पेरीफ्री से ये सेंसरी न्यूरोन क्या करेगा इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा स्पाइनल कोड तक और ब्रेन तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नेक्स्ट हमारा आता है मोटर या फिर इफरेंट न्यूरोन सो मोटर और रिफरेंट न्यूरोन क्या करेगा कैरी मोटर इम्पल्सिस अब ये क्या करेगा मोटर इम्पल्सिस को लेकर जाएगा कहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द इफेक्टर ऑर्गन सो कोई भी जहाँ से भी हमें सेंसेशन रिसीव हुई थी सेंसरी इंपल्सिस अब वहां तक मोटर इंपल्सिस जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी ऑर्गन होगा इफेक्टर ऑर्गन इफेक्टर पार्ट वहां तक जाएंगी नेक्स्ट आता है इंटर न्यूरोन इंटर मतलब बीच में राइट सो इंटरन्यूरोन किसके बीच में प्रेजेंट होता है सेंसरी और मोटर न्यूरो के बीच में इंटरन्यूरो प्रेजेंट होते हैं इंटरन्यूरोन प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरोन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस ताकि जल्दी से सेंसरी और मोटर न्यूरोन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो जल्दी से ट्रांसमिट हो जाए ये काम इंटरन्यूरोन का कर रहा है मीन्स दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है दोनों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है दे रहा है ताकि जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन क्विकली ट्रांसमिट हो जाए दिस इज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूरोन सो जो नेक्स्ट सेल्स हैं जो कि नर्वस टिश्यू को बनाते हैं वो हैं न्यूरोग्लियल सेल्स जिनको नॉन न्यूरोनल या फिर ग्लियल सेल्स भी कहते हैं ये उससे कैसे डिफर करते हैं हमने पढ़ लिया था कि न्यूरॉन्स क्या हैं एक्साइटेबल हैं वेयर इज नॉन न्यूरोनल या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं ये नॉन एक्साइटेबल हैं ये ग्लियल सेल्स हैं ग्लियल मतलब ग्लू तो ये क्या है कि सपोर्ट करते हैं न्यूरोस को सो so सपोर्टिंग का काम करते हैं उनको अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखते हैं न्यूरॉन्स को सो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लस न्यूट्रिशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते, है, करते हैं न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे प्रोटेक्ट करते हैं सो इनका क्या प्रोटेक्शन का काम है सपोर्ट का काम है न्यूरोस को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स प्लस uh, जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इनके पास एंड्रियोल है हमें पता है कि न्यूरोन्स डिवाइड नहीं हो सकते दे डोंट डिवाइड बिकॉज दे आर लैकिंग सेंट्रियोल सो सेंट्रियोल उनके पास नहीं है न्यूरोन्स के पास इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकते सेंट्रीओल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में न्यूरोग्लियल सेल्स में सेंट्रियोल है सो so इसलिए ये डिवाइड कर सकते हैं बट जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो न्यूरोस को डैमेज से रिपेयर कर सकते हैं लेकिन अगर कोई न्यूरोन डाई हो जाता है तो उसको दोबारा से रीजनरेट हम नहीं कर सकते या फिर दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते न्यूरोन को सो so जितने न्यूरोन एम्ब्रियो के बाद हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उतने ही रहेंगे अगर सेल डेथ हो जाती है न्यूरोनल सेल डेथ हो जाती है तो न्यूरोस डैमेज हो जाते हैं परमानेंट दूसरे न्यूरोस नहीं बनते सो न्यूरोग्लियल सेल्स नो न्यूरोनल हैं ग्लियल सेल्स है प्लस इनमें क्या है कि जो अमाउंट है वो जो बुक्स में दिया वो क्या है टेन टाइम्स ग्रेटर होता है न्यूरोन uh, से सो न्यूरोल सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होगा बट जो रिसेंट स्टडीज़ है उसमें ऐसा भी बताया गया है कि 50 50 परसेंट होता है न्यूरोग्लियल और उसका न्यूरोस का अमाउंट 50 50 परसेंट है सो so, अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरो सपोर्ट कर रहा है न्यूरोस को मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है प्लस साथ में ही प्रोटेक्ट भी कर रहा है सपोर्ट एज ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी कर रहा है न्यूट्री और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन भी कर रहा है सो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये टू रीजन्स में प्रेजेंट है हमारे नर्वस सिस्टम में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स जो पेरीफिरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरल सेल्स या फिर पेरीफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स सो जो सी एन एस में प्रेजेंट है वो कौन सी हैं एस्ट्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइक्रोग्लियल सेल्स एंड अपेंडिमल सेल्स वेयर एज जो पी में प्रेजेंट है पेरीफ्रल न्यूरोग्लियल सेल्स दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स वो कौन सी है शवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी वाले ग्लियल सेल्स सो सी में फर्स्ट आता है एस्ट्रोसाइड सो so, एस्ट्रोसाइड कुछ इस तरह से दिखता है और ये क्या है स्टारशेप सेल्स हैं सो आई होप कि ये स्टार जैसा दिख रहा हो जैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है सो so, एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप सेल्स होते हैं इसलिए इसको एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं इनका फंक्शन क्या है सबसे फर्स्ट फंक्शन इनका क्या है कि जो सी एन एस के जो न्यूरोन्स हैं उनकी मायरिन शेत को बनाना साथ में ही न्यूरोन्स को सपोर्ट करना सी एन एस के न्यूरोस को सपोर्ट करना प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ये क्या बनाता है ट्रिपल बी दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर नेक्स्ट हम चलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इस तरह से दिखते हैं अगेन जो एस्ट्रोसाइट्स और लीगोडेंड्रोसाइट्स हैं इनकी फूड प्रोसेस होती हैं सो so, ये फूड प्रोसेस हैं इसकी भी इस तरह से फूड प्रोसेस है सो so, लीगोडेंड्रोसाइट्स भी क्या करते हैं न्यूरोस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट करते हैं प्लस साथ में ही माइलिन शीट बनाने में हेल्प करते हैं दोनों एस्ट्रोसाइट्स एंड लीगोडेंड्रोसाइट्स जो डैमेज हो जाते हैं न्यूरोन्स उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट आता है माइक्रोग्लियल सेल्स माइक्रोग्लिया क्या है ये माइक्रोफेज हैं सी एन एस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सो so, माइक्रोग्लियल जो सेल्स हैं ये फैगोसिटिक हैं ये इस तरह से दिखते हैं माइक्रोग्लियल सबसे स्मॉलेस्ट हैं ये आ, सारे न्यूरोग्लियल सेल्स में माइक्रोग्लियल सेल्स क्योंकि फैगोसिटिक हैं तो ये एंगल्फ कर लेते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गनिज्म को बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरोन्स को किसी भी फॉरन बॉडी से नेक्स्ट आता है अपेंडिमल सेल्स अपेंडिमल सेल्स इस तरह से दिखते हैं सो ये जैसे कि अपिथीलियल लाइनिंग होती है सो ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े अपिथीलियल सेल्स जैसे तो अपेंडिमल सेल्स इस तरह से दिखते हैं ये इनकी ब्रांचेस हैं अपेंडिमल सेल्स क्या करते हैं क्योंकि ये एपिथेलियल लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स जैसे हैं तो ये क्या है एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं एपिथेलियल लाइनिंग कहाँ पर बनाते हैं हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं और जो स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल है उसको लाइन किया हुआ है इसने तो पेंडिमल सेल्स जो वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में जो कोरोइड प्लेक्सस है जहाँ से सी एस एफ बनता है तो ये पेंडिमल सेल्स वहाँ क्या करते हैं सी एस एफ बनाते हैं प्लस अब पेंडिमल सेल्स क्या करते हैं ब्लड सी एस एफ बैरियर भी बनाते हैं ब्लड सी एस एफ बैरियर नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं श्वान सेल्स सो so, श्वान सेल सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पी एन एस में वेयर एज जो सी एन एस है उसमें एस्ट्रोसाइट सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सो so, श्वान सेल का एक इंपॉर्टेंट तो हमने पढ़ लिया है रोल कि जो पेरिफेरल न्यूरोन्स हैं पेरिफेरल जो नर्व्स हैं उसकी माइलिन शीथ बनाते हैं सो फर्स्ट इसका ये है श्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं पेरिफेरल न्यूरोन्स की दूसरा इसका फंक्शन ये है कि अगर नर्व डैमेज हो जाती है तो उसको रीजनरेट करने का भी काम करते हैं उसको रिपेयर करने का काम भी करते हैं शवान सेल प्लस इनमें फैगोसिटिक एक्टिविटी भी होती है सो तो जो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में ये फैगोसिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट है सेटेलाइट सेल सेटेलाइट सेल्स क्या करते हैं जो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोन्स हैं उसका एक्सटीरियर सरफेस बनाने में हेल्प करते हैं जो आउटसाइड लाइनिंग है वो बनाने में हेल्प करते हैं प्लस साथ में ही सैटेलाइट सेल्स मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं पेरीफ्रल नर्व्स uh, और पेरिफेरल न्यूरोन्स को प्लस जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है तो मैंने बहुत ही अच्छी बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है न्यूरोग्लियल सेल्स के ऊपर आई बटन में यहाँ पर क्लिक हो जाएगी तो वो आप चेक कर सकते हैं जस्ट मे बी टेन मिनट्स की होगी और फिफ्टीन मिनट्स की होगी बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स सो so फ्रेंड्स जितने भी पार्ट्स हैं टिश्यूज़ के वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी सो हेयर टिश्यूज़ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है एंड इफ यू अंडरस्ट दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमैन थैंक यू फॉर वॉचिंग